की कर लेते हैं। आप मुझको ये बताओ, कोई भी ऐसी गेम जिसके वेटरन के मैचेस नहीं होते हो, नाउअडेज इट इज अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, दोज हु आर रिलेटेड विद द स्पोर्ट्स अर्लियर, नाउ दे आर 40+, 45+, 50+, 60+, दे डिवाइडेड डिफरेंट कैटेगरीज। अभी उन्होंने आपके टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स प्लस CBSE के जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए इन्होंने कॉम्पिटिशन करवाया था अभी लास्ट टाइम, तो उसमें हमारे स्कूल की एक है ना लड़की, देखा है आपने पावनी स्विमियर, उसको स्विमिंग की लड़की है पावनी, छोटी है बहुत, वेरी गुड स्विमर, उसको अपना स्पोर्ट्स मिनिस्टर से अवार्ड मिल चुका है, अपने DC साहब से यहाँ पे अवार्ड मिला है, यंगस्टर, यंग मतलब कमिंग, अब ये ड्यू टू दिस सारा काम खराब हो गया, नहीं तो अदरवाइज वो बहुत हाई लेवल की है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते उसका लेवल क्या है। रोप होता है ना, रोप हैंगिंग सारा कर देती है, सिटअप्स 500-600 सिटअप्स, हाँ रोप पे चढ़ जाती है, उसके फादर उसके स्विमिंग के ही हैं वो, तो उसकी एडमिशन मैंने यहीं पे करवाई थी। अभी उन्होंने स्विमिंग में इंडिया में मेडल लिए हैं दो वेटरन में, 40+ में, 45+ में, नाउ ही इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल इवेंट्स, तो अभी देखो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर आप एक तो आप एंगेज रहते हो, एक आप फिट रहते हो, एक आप देखते हो बाहर जाके क्या कंपटीशन लेवल है, वो बहुत मतलब हर गेम में, कोई भी गेम देख लो आप, हर गेम में वेटरन के मैचेस शुरू कर दिए उन्होंने, एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर फिजिकल फिटनेस टू रिमेन योर हेल्थ को, आप जो आपका लाइफ स्टाइल है आप फिर चेंज कर रहे हो अपने। आगे क्या होता था अपने काम में, अपने सब में काम, दिन का सारा काम खत्म, बट nowadays पीपल दे आर गिविंग टाइम टू देयर हेल्थ, दे आर चेंजिंग देयर लाइफ स्टाइल, और जब आप लाइफ स्टाइल अपना चेंज करोगे, आप ग्राउंड में खड़े होगे, आप घर आओगे, आपको अजीब ही कॉन्फिडेंस होगा, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और हमारे मोस्टली क्या होता था, इन्होंने एक सर्वे किया है कि आफ्टर आपका स्पोर्ट्स कैरियर जब खत्म हो गया तो कोई नहीं उसको पूछता था। ठीक है, नाउ देयर इज ए चैरिटेबल मैचेस, डिफरेंट चैरिटेबल मैचेस होते हैं, ओल्ड 11 आपकी अभी देखा आपने मूवी बनी है 83 वालों पे, कितना उनको क्या मतलब क्या कहाँ से कहाँ अभी तक स्टिल दोस्त जो उनकी मेमोरीज है वो अभी भी वो बता रहे हैं एक एक लोगों को, और अभी भी उस पर कितनी मूवीज बन रही है, आपने देखा होगा उसमें जब उसने 100 किया 175 कपिल ने, एट दैट टाइम देर इज ए स्ट्राइक ऑफ मीडिया और उस मैच की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है, आप ये देखो कितना उसका एक लाइफ का ऐसी अचीवमेंट है जो वर्ल्ड में कभी किसी ने की नहीं होगी। मिथ्या आपके 17 या 15 पे 5 आउट हो गए थे, वो भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, एंड ही स्कोर 175 और 8 को समथिंग रन, इंडिया वहां से मैच जीता। फिर आपने वेस्ट इंडीज जो उस टाइम ऐसी टीम थी जिसको देख के ना, जो उनके बॉलर्स को देख के ना बैट्समैन ऐसे स्टिल लिटरली ऐसे से कर रहे होते थे, एक बॉल इधर से दूसरी इधर से एक इधर से, जब वो बाउंसर मारते थे ना तो बॉल जैसे निकलती थी, तो उन्होंने आके उनको बोलना यू स्मेल द बॉल, आपको बॉल की खुशबू का पता लगा कैसी है। और मेलकम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, गार्नर 7 फीट हाइट, और उसके ऊपर से उसका हैंड देखो कितना फीट ऊपर है और कहाँ से बॉल आ रही है, और ऐसे देखते थे कहाँ से बॉल आ रही है, दे हैव सच ए हाइट एंड दे हैव ए वेरी वेरी मतलब बोल के वो बॉल मारते थे, दे हैव ए सच टाइप ऑफ बाउंसर एंड बोल के उन्होंने आपको यॉर्कर मारना, पेस बैटरी ऐसी होती थी, एक हटेगा दूसरा उससे ऊपर आ जाएगा, दूसरे या तेज होगा तो तीसरा उससे भी तेज आ जाएगा, तो ईच एंड एवरी टाइम जो बैट्समैन होता था ना वो खेलने नहीं जाते थे, और जिसने अगर थोड़े रन कर लिए तो उसका पूरा बॉडी नील पड़े होते थे, बॉल कहीं ना कहीं हिट होती थी, खड़े हैं सब एट दैट टाइम, आप सोच सकते हो कि स्वेटर्स डाल के खेलते थे, चेस्ट गार्ड कोई नहीं था, ठीक है, हेलमेट का कोई आपका इतना अच्छा एट दैट टाइम, देर इज नो क्वालिटी ऑफ हेलमेट इज सो गुड, इवन योर पैड्स दे आर नॉट एट दैट टाइम सो गुड, पैड पे अगर बॉल लग गई है तो अंदर नील पड़ जाता था,
ये तो हम जब खेलते रहे तब भी ऐसा था एट दैट टाइम भी, कि जो पैडिंग की जो क्वेश्चन थे वो इतने अच्छे नहीं थे। अगर कोई इन स्विंगर आपके 2 बार लग गया तो नील पड़ जाएगा। तो आप देखो वहां पे इंडिया ने 2 बार उनको हराया, इनिशियल राउंड में भी और फाइनल में भी। और इंडिया वार्म अप मैच में तीनों मैच हार गया था इंग्लैंड में। जो वार्म अप मैच खेलते हैं ना जाने से पहले, तीनों मैच हार गया एंड दे आर अंडर डॉग्स। और सारे ऑलराउंडर उस टीम में थे, उन्होंने सबने परफॉर्मेंस बॉलिंग में कोई 2 विकेट ले गया, किसने 40 रन बना दिए, ठीक है, सबने अपने अपने फाइनल में, मतलब जैसे किसी को बोल के करते हैं ना, इसको तूने आउट करना है, इसको इसने आउट करना है। और कई बॉलर ने क्या बोल के बॉल लिए। मदन लाल ने कपिल देव को बोला है कि मुझको बॉल 1 ओवर और दो, मैं इसको आउट कर सकता हूँ। उसने ओवर लिया और उसको आउट किया। तो मतलब ये एक, हम कोई भी एसोसिएशन के साथ जुड़ते हैं करते हैं, तो अभी आपको गवर्नमेंट ने IPL, ठीक है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इवन कबड्डी को कोई पूछता था, देखते हो रोज कबड्डी, कितने कितने लाख, 50 लैक्स, 70 80 लैक्स, ठीक है, वो प्लेयर को कभी जिंदगी में किसी ने पूछा ही नहीं। किसी का गुट निकल गया, शोल्डर निकल गया, तो वो पूरी लाइफ कोई उसको, अब आपने देखा होगा अभी डेथ हुई ना प्रवीण, जो आपके वो था ना, अपने भीम बना था रामायण में, ही इज अर्जुन अवार्डी, बट उस टाइम उन्होंने अवार्ड लिए हैं, तो अभी उनको कुछ मनी वाइज दे हैव अ प्रॉब्लम। और फॉरेन में जो उनके अच्छे प्लेयर्स होते हैं, उनको एक्सपीरियंस को वो क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि ये किया इसने, ऐसे किया। तो ये हमारे बहुत फर्क है। अभी आप अभी ग्राउंड देख लो, जालंधर में जो हमारा एथलेटिक का है, वो आज मेरे ख्याल भाई 23 4 इयर्स हो गए हैं उसको, वैसे ही पड़ा अभी। और उस पर इंजरीज हो रही हैं, ये देखो ना उस पर जो बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, वो अभी लड़का जो इंडिया खेल के आए हो, 3 4 लड़के, तो अपना आपका ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, वो इंजर्ड हो गया वहाँ पे, बट कोई कुछ नहीं, हम जी कर रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा, कर रहे हैं। तो दिस इज द मेन रीजन, आपके पास इतनी जगह है, यू हायर, यू गिव देम ए प्रोफेशनल, आप फीस रख लो, आप नॉमिनल फीस रखो, फीस ले लो, आप कोचिज अच्छे हायर करो। इंडिया में टैलेंट क्यों नहीं, इतना टैलेंट है, बट वो क्या है, कोई आपका आगे, अब आप देखो BCCI में कौन है, नॉन स्पोर्ट्स पर्सन आर देयर इन ईच एंड एवरी। अभी ये सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि आपकी जितनी भी एसोसिएशन है वहां पे जो खेला हुआ उससे कंसर्न बनता है वो ही रखे हो, वो प्रेसिडेंट होगा, वही मेंबर होगा। बट आप यहाँ देखोगे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको उस गेम की ABC नहीं पता, वो चल रहा है, बस मोनोपोली चल रही है, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो गए हैं, दैट इज द मेन थिंग। तो स्पोर्ट्स कहाँ से आगे आएगा, अब छोटा जो टैलेंट है, अब सपोज आपका भी जेवलिन थ्रोर का गोल्ड आ गया, उसको कितने करोड़ मिल गए, हर गवर्नमेंट ने उसको, हर स्टेट ने, सबने उसको इतने लाख, इतने करोड़, इतने करोड़। अब ये छोटे बच्चों पे पैसा लगाओ, ठीक है, हाँ, आप छोटे बच्चों की एकेडमी बनाओ तो हो सकता है 10 और करोड़ आ जाए, दैट इज द मेन थिंग ना। जो आपका अभी इन्होंने बोला है कि जैसे सपोज आपका बच्चा कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चैंपियन है, उसको एक क्राइटेरिया आप रख लो, ठीक है, स्टेट चैंपियन बनता है उसको एक क्राइटेरिया रख लो, अगर वो स्टेट चैंपियन कई साल से है उसको कम से कम जॉब तो दे दो। उनको नहीं, 10 साल से आप स्टेट चैंपियन हो और उसके बाद आपको क्या हो रहा, कहीं जॉब नहीं मिल रही है, घर वाले बोलते काम करो, कहीं क्या करेगा वो, जो बहुत हाई लेवल का है उनका बहुत ऊपर, हाँ, जो मतलब मीडियोकर लाइन में है ना वो बीच में हो जाता है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कितने आर्टिकल आते हैं कि व्हाई इंडिया इज लैकिंग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ पॉपुलेशन, और मेडल देख लो कितने ओलंपिक्स में। तो दिस इज द मेन रीजन, आपका जो ग्रास रूट लेवल है वहां से आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, और जब तक आपको ग्रास रूट लेवल पे ध्यान नहीं दोगे यू कांट इम्प्रूव। अब जो आपका स्टेट चैंपियन है लड़का, कुछ तो उसमें क्वालिटीज है ना, उसको एक आदमी को तो आप जॉब दे दो, अगर कोई नेशनल खेल रहा है, ठीक है,
उसको कहीं इतना तो सिक्योर रखो कि हाँ जी आपने थ्रू आउट अपने गेम की आपको कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में जॉब दे देते हैं, तो उससे क्या होगा, लोग मोटिवेट होते हैं, उनको पता है कि नहीं मैं जॉब, मेरे को जॉब मिलेगी, मैं ये मेडल लूंगा, ये होगा वो होगा, सारी चीज़ें उनके फिर माइंड में चलती हैं। तो दिस इज़ द मेन रीज़न, और इसके बारे में बहुत लोग बोलते हैं करते हैं, बट अल्टीमेटली वो चीज़ें वहीं पर रह जाती हैं। तो इसीलिए तो ये आपको साइकोलॉजी वगैरह आपको चैप्टर्स इसीलिए दिया उन्होंने। साइकोलॉजी क्या है, बाहर नो डाउट बाहर अगर वो देखते हैं कि ही और शी हैज सम टैलेंट, वो उसको पकड़ लेंगे। चाइना में देख लो आप क्या करते हो, जिस लेवल पे हमारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, 20, 21, 22 साल में ओलंपिक जा रहे हैं, तो वो 14, 15, 16 साल में मेडल लेके आ जाते हैं। आप अभी जितनी भी उनकी स्विमर्स देख लो, जिमनास्ट देख लो, 14, 15, 16, 17 ईयर्स में गर्ल्स दे आर टेकिंग द मेडल इन ओलंपिक। तो आप ये देख लो कि उनकी ट्रेनिंग किस लेवल पे चलती होगी और क्या करते हो, इक्विपमेंट देख लो आप उनके। अब ये नीरज है, इसका जो जेवलिन था, अब उसको मिले हैं पता नहीं वो कितने कितने लाख का एक जेवलिन है, हम तो सोच के हैरान हो गए कि वो इन लैक्स उसमें क्या होगा, कैसे होगा, क्या जितने आपके आर्चरी वाले हैं या आपका शूटिंग वाले हैं, इनकी सारी गन पे मेन आपका फोकस रहता है। जितने फॉरेन के वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत हाईली हाईटेक होते हैं। आपने जैसे एयर की फ्रिक्शन कितनी है, यू हैव सीन ना समटाइम, जैसे हम लॉन्ग जंप करते हैं तो उसमें क्या होता है, विद द एयर अगेंस्ट द एयर, जैसे सपोज एयर आपके अंगेंस्ट चल रही है, वो काउंट करते हैं वहाँ पे और आपके साथ चल रही है, तो नेचुरली उसका थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। तो वैसे ही आपका इसमें शूटिंग में होता है, आर्चरी वालों का तो बहुत ज्यादा होता है, हल्का सा भी एयर का बस। और जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, हमारे तो यहाँ कईयों को तो लास्ट स्टेज पे मिलते हैं वेपन, है ना, हाँ कैसे हैं, किस उस पे चल रही हैं, क्या करना है, कैसे करना है। तो मतलब ये चीजों का बहुत फर्क पड़ता है, टैलेंट की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। आप क्रिकेट में देख लो, ये मेरे ख्याल 5th वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है वर्ल्ड कप इंडिया वालों ने, अंडर 19 ने 5th कंटिन्यू, मतलब 5th इंडिया की है, 3 शायद ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं ऐसे। और हर साल लड़के ये आगे टीम को नॉक करते हैं, तभी तो इंडिया का जो क्रिकेट में क्यों अच्छा हो रहा है काम, बिकॉज ऑफ मनी। क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है बेटा जहां पे अगर आप जूनियर लेवल पे भी खेलते हो तो यू अर्न, आपको इतना पैसा मिल जाता है, कोई जरूरत नहीं होती। इफ यू आर प्लेइंग रणजी ट्रॉफी रेगुलर, अगर आप रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हो, वहाँ पर मैच वनडे के, टेस्ट मैच के, वो डिफरेंट उन्होंने रखे हैं। व्हेन यू रिटायर, जब आप ऑफिशियली बोलोगे बीसीसीआई को आई एम गोइंग टू रिटायर, जैसे पेंशन होती है ना वैसे उनकी पेंशन होती है। अगर सपोज आप इंटरनेशनल खेल कोई मैच खेले हो तो उसकी भी पेंशन अलग है और आपको थ्रू आउट वो मिलेगी। जैसे आपका एमएलए है, ठीक है, काउंसलर है, वो जब कोई एक दिन के लिए भी बन गए हैं ना तो उनको पेंशन शुरू हो जाती है, एक दिन के लिए भी बन गए। अब आप हाँ, आप देखो काउंसलर बने अलग पेंशन है, एमएलए बने, एमपी बने, सीएम बने, सबकी अलग अलग पेंशन है। और जबकि आपको गवर्नमेंट में क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल अभी केस जीत गए लोगों ने, केस किया है कि अगर ये पॉलिटिशियन 5 साल 2 साल 1 साल काम करते हैं, इट इज नॉट अ जॉब, ये एक सेवा है, उनको पेंशन किस बात की। और जो बंदे ने 30 साल अपनी जॉब की है, 35 साल जॉब की, उसको पेंशन। हाँ तो ये सारी चीजें ऐसी चलती रहती हैं। और डिफरेंट जो आपके जजेस भी बैठे हैं वो भी अंडर द प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो रेयर होता है कि कोई अपना डिसीजन लेके करेगा, उसको आप बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें, हाँ नहीं, और देखो कब तक लोग बाहर जाएंगे, कितने बच्चे बाहर जाएंगे, आप कनाडा वगैरह जा रहे हैं बच्चे, उनके हाल देखो क्या नहीं, तुम तो चलो हो रहे हैं अब बहुत वहां पे, ये कहने को है कि कनाडा चला गया, वो खाने का नहीं, माइनस वहां पे 40। हाँ तो फिर दिस इज द मेन प्रॉब्लम, अभी देख लो आप कैसे गए कनाडा लोग बच्चे, 3-3 लाख की टिकट लेके गए, किसी का सामान रह गया मेक्सिको, कोई कहाँ पहुंच गया,
कोई दुबई रह गया, लगेज सारा, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। और होता क्या वहां पे, अल्टीमेटली आपने जाके वर्क करना है, ठीक है, पेरेंट्स ने लोन लिया है, काम काज यहाँ पे है नहीं, वो बच्चा वहां पे पेरेंट्स को बोल नहीं सकता पैसे दो, ठीक है, चलो जो तो सेटल हो गए, जो नहीं है उनको तो बहुत प्रॉब्लम है, और गर्ल्स को तो बहुत प्रॉब्लम है, फिर काम करोगे आप, आगे खाना बनाना है, पढ़ना भी है, ये मतलब कहने को है जी हम कनाडा चल गए। हाँ, बस ये है कि वहाँ पे आप जो हम यहाँ पे लेबर करते हैं वहाँ उसके पैसे अच्छे मिलते हैं, लाइफ आपकी अच्छी है, और वो लोगों को, उनका मेन है कि वो लोगों की जो लाइफ है उसकी वहाँ पे वैल्यू है, बस। हाँ, बस बस ये चीज़ है, अदरवाइज तो इस करके वो चुपचाप लोग वहाँ काम करते रहते हैं अपने, ठीक है, जैसे मर्जी वहाँ पहुँच गए अपने करके काम करते रहते हैं, कुछ भी कर लो। यहाँ पे हमारे बहुत, यहाँ पे बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जो वहाँ पे काम करते हैं, थोड़ा ना बताते हैं हम क्या काम कर रहे हैं। हाँ, जो अच्छे गए हैं, जो क्वालिफाइड गए हैं। और अपने दोस्त बुला भी रहे हैं, टीम चेक कर रहे हैं ताकि लोग कर रहे हैं वीजा के लोगों ने कहा हमें कुछ है खाना भी लोगों में शुरू करता 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 और मैं